बीएचयू में आज से शुरू हुई है ओपीडी सेवाएं। तो कोरोना की वजह से यहां पर इन सेवाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब शुरू कर दिया गया है। तो मार्च के अंतिम हफ्ते में ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया था, चार महीने बाद अब ओपीडी की सेवाएं खोल दी गई हैं। सर सुंदर लाल चिकित्सालय के सभी विभाग खुल गए हैं। तो हर विभाग में एक दिन में सिर्फ 50 मरीजों को ही डॉक्टर देख पाएंगे। मरीज और उनके परिजनों को मास्क लगाना जरूरी होगा। मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी होगा। इसके साथ ही मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कराना होगा, जो कि bhu.ac.in पर होगा। तो इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स एकाएक करके दी गई हैं कि किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन इसके जरिए करा सकते हैं। और राजू श्रीवास्तव हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजू, चार महीने बाद लॉकडाउन जब शुरू हुआ उस वक्त ही, उसके आसपास ही ओपीडी सेवाओं को यहाँ पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से सेवाएं शुरू की गई हैं, लेकिन सीमित संख्या को रखा गया है कि एक वक्त में, एक दिन में बस डॉक्टर जो है वो सीमित संख्या को ही देख पाएंगे। देखिए ऋतु, एक सीमित संख्या इसलिए दी गई है कि चार महीने बाद खुल रहा है और एकाएक जो बीएचयू में इतने दिन के जो पेशेंट हैं, क्योंकि सिर्फ वाराणसी या आसपास के पेशेंट यहाँ नहीं आते ऋतु, बिहार के भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि कोरोना काल का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। तो इसलिए सावधानी बरतते हुए ओपीडी सेवा शुरू करनी है कि ताकि जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनको बचाया जा सके, कोरोना काल में उनकी मौत ना हो, इसलिए ओपीडी सेवा शुरू की गई है। हालांकि इस ओपीडी सेवा शुरू होने से लगभग 50,000 लोगों को जहां रोजगार मिलता है, क्योंकि आसपास में जो मेडिकल स्टोर है उनसे जुड़े लोगों को भी रोजगार मिलता है और मेडिकल स्टोर को भी। यहां पर जो होटल हैं, काफी दूर से लोग आते हैं, बिहार से यहां वहां से इलाज कराने आते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। आज से जब से ओपीडी सेवा शुरू होने वाली है उससे लोगों के बीच जहां खुशी है, तो वहीं जो गंभीर बीमारियों से राजू लोग राजू जिस तरह से चार महीने बाद अब इस ओपीडी सेवा को शुरू किया गया है, क्या थोड़ा बहुत वक्त में भी बदलाव किया गया है या वक्त पहले की तरह ही होगा? नहीं ऋतु, देखिए पहले क्या था कि 1,000 से 1,500 पेशेंटों को ओपीडी सेवा में देखा जाता था, लेकिन अब उसकी संख्या कम कर दी गई है, लगभग 50 पेशेंटों को देखा जाएगा। तो महज 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय दिया गया है और इसी में उनको देखा जाएगा, और उसके बाद जो मरीज एडमिट हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं उनको उनका क्योंकि डॉक्टर निरीक्षण करेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे। जी